आज मेरा एक दोस्त आने वाला है, वो इतनी बढ़िया चीज लेके आ रहा है ना कि आप देख के, उसको देख के लड़कियां तो डर जाती है, बिल्कुल ही भाग रही है इधर उधर, लेकिन लड़के जो है वो अगर उसको देखें एक बार दो बार तो प्यार से थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट आ जाएगा बंदों को उसके अंदर। मजाक सोच रहे हो मेरी बात को, आने तो फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं। बस थोड़ी देर में बस मैं आपके शेयर करता हूँ उस चीज़ को। अब वो चीज़ ऐसी है ना, मतलब लोग होते हैं कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, खरगोश पालते हैं, चूहे पालते हैं, लेकिन वो चीज़ ऐसी है मतलब बच्चे डर जाए आप उसको घर में ले जाओ, आपकी मम्मी उसको आपको मार के घर से बाहर भगा देगी। लेकिन वो बंदा ऐसा है मेरा दोस्त, वो ऐसे ऐसे शौक पालता है। तो चलो अब मैं उस चीज़ को शेयर करता हूँ। ओके, ए फ्यू मोमेंट्स लेटर मेरा दोस्त आ ही गया। आ गए आप, आ गए, आ गए, आइए आइए आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। हाँ बहुत, ये देखो ये मेरा दोस्त है, सन्नी नाम है इसका। हेलो ब्रो, हाउ आर यू? क्या हाल है आपके? बस बढ़िया, आओ बैठो। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं वो चीज़, कैसा रहा आपका रास्ता भाई साहब, आपका सफ़र कैसा रहा? सब कुछ अच्छा था, आज तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है दिल्ली का। आप सुनाओ आपके यहाँ कैसा मौसम है, कमेंट करके ज़रा बताना। चलो दोस्तों अब हम आपको वो चीज़ से मिलवाते हैं। हाय गाइस, इसको बोला जाता है इगुआना, आपने देखा होगा ये जंगलों में देखा होगा, वैसे अभी किसी के पास है नहीं है यहाँ पे दिल्ली में, वैसे फेमस होता जा रहा है। आप देखो इसको, ये पेट है, ये वेजिटेरियन है, प्योर पेट के तौर पे अपने घर पर रख सकते हैं ये, हर भी प्योर होते हैं और पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, और ये प्योर वेजिटेरियन होते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा वैसा होगा काट लेगा वगैरह, पर ये कुछ नहीं होता, नॉन वेनमस होता। तो आपने देखा ये हमारे नए मेहमान आए हैं, ये मेरा दोस्त है, ये मतलब इन्हीं चीज़ों का इसको शौक है, ये ऐसी उल्टी सीधी चीजें करता रहता है। तो मतलब ये ना, ये यहाँ का पेट नहीं है, यहाँ पे बहुत कम लोग इसको पालते हैं, आपने तो आप में से बहुत कम लोगों ने इसको देखा होगा। ये थाईलैंड इम्पोर्ट है गाइस, ये अभी तो मतलब बहुत छोटे हैं, अभी एक साल के बाद ना इसकी हाइट कम से कम 2 फुट हो जाएगी, और 3 साल में ये कम से कम 6 फुट के हो सकते हैं, हाईएस्ट इनकी हाइट 6 फुट की होती है इंडिया में, लेकिन अपने इंडिया में किसी के पास इतना बड़ा ये है नहीं। अभी इंडिया में काफ़ी क्रेज इसका चल रहा है, बढ़ रहा है, पर अभी इतना पहुंचा नहीं है कि हर घर में देखने को मिले। आपको डॉग्स कैट तो हर घर में देखने के लिए मिल जाएंगे, पर ये नया पेट है, आप इसको देख सकते हो कितना कूल है ये, आप इसको रख सकते हो घर में। बाकी ये खाने के लिए आप इनको, आप मैं आपको एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ये खाने के लिए कुछ भी ऐसा नॉन वेनमस जानवर हैं ये, तो कुछ ऐसा नहीं खाते, नॉन वेजिटेरियन नहीं है, ओनली धनिया पत्ता जो भी है आपके घर में, बंद गोभी खिला दो इनको, पालक खिला दो, ये है कि मतलब जो खरगोश खाता है ना वो खा लेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है आपको, आपको इसके लिए कोई मतलब मांस मीट वगैरह कुछ नहीं लाना, नहीं आप घास फूस दे दो, अपना खाएंगे पियेंगे खुश रहेंगे मस्त रहेंगे। दोस्तों इनको मतलब इतना कुछ खाने की जरूरत भी नहीं है, खिलाओ पिलाओ, अपना पानी वानी ज़्यादा नहीं पीते ये। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सनलाइट, ये हमारी तरह हॉट ब्लडेड नहीं होते इंसान, तो हमारे हॉट ब्लडेड हो खुद से गर्मी प्रोड्यूस कर लेते हैं, वैसे कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये खुद से गर्मी प्रोड्यूस नहीं कर पाते, इसलिए इनको सनलाइट पर डिपेंड रहना पड़ता है। उनके लिए हमें अगर आपको इंडोर रखना है इनको, तो आपको यूवी बल्ब का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको बालकनी से या छत पर से टेरिस पर से इनको सनलाइट डायरेक्टली देनी पड़ेगी। सिस्टम इनका धूप से ही चलता है, ये गर्मियों में बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ बिताते हैं, लेकिन ठंड में ये मतलब अगर इनकी केयर ना करो तो ये मर जाते हैं, बिल्कुल इनकी केयर करनी पड़ती है गाइस, ये मार्केट में बहुत महंगे भी आते हैं। गाइस कितना कूल लगता है ये, देखो आप देखो इसको, है ना, खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट भी कर देना मेरे दोस्त में। तो दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।